विदिशा जिले के पठारी बड़ोह के बालाजी धाम पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा और यज्ञ के समापन समारोह में आज कथावाचक राजेश रामायणी के द्वारा श्रीमद् भागवत के उपदेश पर चलने का आग्रह उपस्थित श्रद्धालुओं से किया गया। हम आपको बता दें कि उक्त कार्यक्रम में हजारों की संख्या में क्षेत्र के श्रद्धालु कथा का श्रवण करने पहुंचे थे। इस संपूर्ण कार्यक्रम में भाजपा, कांग्रेस एवं अन्य राजनीतिक पार्टियों के अनेक नेताओं ने पहुंचकर कथा का श्रवण किया। कथावाचक पंडित राजेश रामयनी एवं महंत विष्णुदत्त महाराज से आशीर्वाद लिया। कथावाचक में कहा कि सुधामा संसार में सबसे अनोखे भक्त रहे हैं। वह जीवन में जितने गरीब नजर आए उतने वे मन से धनवान थे। उन्होंने अपने सुख व दुखों को भगवान की इच्छा पर सौंप दिया था। श्री कृष्ण और सुधामा के मिलन का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने सुदामा के फटे कपड़े नहीं देखे बल्कि मित्र की भावनाओं को देखा। मनुष्य को अपना कर्म नहीं भूलना चाहिए, अगर सच्चा मित्र है तो श्री कृष्ण और सुदामा की तरह होना चाहिए। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया। श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे के साथ श्रीमद् भागवत कथा की विदाई की एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।